हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिकास कुक बुक। आज हम बनाएंगे एक स्वीट डेलिकेसी कलकल। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छा स्नैक है और बहुत जल्दी बन जाता है। क्रिसमस टाइम पे गोवा रीजन में ये ट्रेडिशनली बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कलकल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने लिया है 1 कप मैदा। ये मैंने मेजरिंग कप से नाप के 1 कप मैदा रखा हुआ है। मैंने इसको अच्छे से छान के और फिर लिया है 1/4 कप सूजी, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसमें से मैं 1/4 कप नाप के शुगर पाउडर लूंगी। मैंने शुगर पाउडर को ऐसे ही रखा है और मैं 1/4 कप इसमें से नाप के लूंगी। थोड़ा सा वनीला एसेंस और 2 टेबलस्पून घी। बस ये इतने से इंग्रेडिएंट्स में एक बहुत ही अच्छा स्नैक बना के हम तैयार करने वाले हैं। आइए बनाते हैं। इस स्नैक को हम डीप फ्राई करेंगे, तो मैंने तेल गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक हम ये डो तैयार करेंगे तब तक हमारा तेल भी गर्म होकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं मैदा। मैदा डाल के हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून घी। 2 टेबलस्पून घी डाल के हम इसको बहुत अच्छे से अपने हाथों से रब करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल ही ग्रेनी टेक्सचर का ना हो जाए। बिल्कुल ब्रेड क्रम्स जैसी इसकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। हम इसमें साथ में सूजी भी डाल देते हैं, तो सूजी में थोड़ा रवा रहता है तो हमें मिक्स करने में आसानी रहेगी। ये मैंने 1/4 कप सूजी ली है और 1 कप नाप के मैदा लिया है। इसको बहुत अच्छे से इस तरह से रब कर लेते हैं। मैदे को हमने बहुत अच्छे से रब कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छा सा इसका ये ब्रेड क्रम्स जैसा टेक्सचर हो गया है। इसमें अब मैं मिला देती हूँ बेकिंग पाउडर। ये 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये 1/4 कप मेजरमेंट है, तो मैं इसी से नाप के 1/4 कप इसमें पाउडर शुगर डाल रही हूँ। शुगर हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो इसको जब तलेंगे तब ये बिखर सकते हैं। तो ये 1/4 कप मैंने शुगर नाप लिया और ये इसमें मिक्स कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स करके इसमें अब मैं डालूंगी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस भी मैं 1/4 टीस्पून डालूंगी इसमें। तो ये हम मेजरमेंट कर लेते हैं। सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसका हमें बहुत हार्ड डो नहीं बनाना है, जैसा हम अपनी चपाती के लिए डो बनाते हैं उससे जरा सा हार्ड होना चाहिए बस। तो इसका एक अच्छा सा डो बना लेते हैं हम। ये रेसिपी वैसे ट्रेडिशनली एग के साथ बनाई जाती है और हम इसे एगलेस बना रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके पास एक बहुत अच्छे एगलेस स्नैक का। डो हमारा बनके तैयार है, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा सा डो बनके तैयार हुआ है। अब इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर इसको एक बार नीड करेंगे और फिर हम कलकल बनाएंगे। हमने 10 मिनट तक डो को रेस्ट के लिए रखा था और अब हम इसको दोबारा एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं और अब हम बनाएंगे अपने कलकल। कलकल बनाने के लिए आपको 1/4 की जरूरत पड़ेगी। कलकल एक अलग शेप में बनते हैं और या फिर आप कोई भी इस तरह का लाइन वाला सरफेस लीजिएगा जिसपे हम कलकल बना सकें। मैं आपको दोनों तरह से बना के दिखाती हूँ। हम पहले छोटी सी बॉल इसमें से डो में से ले लेंगे। बहुत ज्यादा छोटी नहीं लेनी हमें, बिल्कुल नॉर्मल छोटी साइज की इस तरह की हमें एक बॉल लेनी है और इसको हम इस सरफेस पे इस तरह से रख के और अपने उंगलियों से इस तरह से फैलाएंगे। बहुत पतला नहीं करना है हमने लोई को, मोटा मोटा फैलाना है
और उसके बाद धीरे से इस तरह से इसको गोल फोल्ड कर लेना है। तो ये इस शेप का कलकल बनके तैयार हो जाएगा। लास्ट वाली जो ये एजेस हैं, इनको हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे जिससे तलते टाइम ये ज्यादा ना खुले, और ये हमारा कलकल तैयार है। इसी तरह से मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। बॉल बना लेनी है हमको छोटी सी, और उसको इस सरफेस पे रख के उंगली की सहायता से थोड़ा सा स्प्रेड करना है, और हल्के हाथ से इस तरह से रोल करते हुए वापस उठा लेना है, और ये हमारा कलकल बनके तैयार है। इसी तरह से आप फोक की सहायता से भी बना सकते हैं। फोक से बनाने के लिए हम फिर उसी तरह से एक बॉल लेंगे और इसको फोक की इस एज पे रखेंगे, और हाथों से अपन इसको दबाते हुए थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, और हल्के हाथ से इस तरह से रोल करते हुए कलकल बना लेंगे। तो ये फोक का जो इम्प्रेशन है ये इसके ऊपर आ जाएगा अच्छे से। एक बार मैं और आपको बना के दिखाती हूँ। छोटी सी हम बॉल लेंगे और इसे इस तरह से फोक के ऊपर रख के प्रेस करेंगे, हल्के हाथ से इसको रोल करते हुए निकाल लेंगे, और ये हमारा कलकल बनके तैयार है। आप इस तरह से कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं जिसके जो ब्रिसल्स हैं वो थोड़े से हों, जिस तरह से हम ये ग्रीस करते हैं केक टिन वगैरह, वो ब्रश आप ले सकते हैं। आप चाहें तो आप फ्रेश कॉम्ब ले सकते हैं, कोई कंघी ले सकते हैं जो बिना यूज की हुई हो, उसकी जो बड़े वाले दांते होते हैं उस तरफ आप रख के कर सकते हैं। तो ये आपकी इमेजिनेशन है, जो चीज आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज कीजिए। मैं ये मेरा ये जो चिप्स कटर है, ये ग्रेटर है, उससे उसके ऊपर मैं रख के सारे कलकल बना रही हूँ। तो अब हम अपने कलकल बना लेते हैं ताकि हम उनको डीप फ्राई कर सके। हमने कलकल बना के तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, हम जितने इसमें एक बार आराम से आ जाए उतने कलकल इसमें डालेंगे, और कलकल तलने के लिए हमें बहुत तेज आंच की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। हमें कम आंच पे इनको धीरे धीरे लाइट ब्राउन होने तक सेकना है। कलकल बहुत जल्दी सिक्के तैयार हो जाते हैं, इनके अंदर बेकिंग पाउडर है तो ये साइज में भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं, डबल से हो जाते हैं, और बहुत ही खस्ता बनते हैं। बस ये तैयार है, इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम अपने बाकी कलकल भी तल के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारे कलकल, बहुत ही खस्ता बहुत ही स्वाद स्नैक बनके तैयार है, और घर में उपलब्ध चीजों से ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन जरूर टैप करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकाज कुकबुक।